प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेस्ट इंडिया एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीजीटी संस्कृत के बारे में जो वैकेंसी आज ही अनाउंस हुई है। और दोस्तों आज है तारीख 10 फरवरी 2021, आज के दिन ही ये एडवर्टीजमेंट आया है। हालांकि इसकी बात करें कि ऑफिशियली जो इसका नोटिस है वो शायद 11 फरवरी 2021 को आएगा, परंतु बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पे ये एडवर्टीजमेंट घूम चुका है। ये फ्रेम आज यानी कि 10 फरवरी 2021 को कर दिया गया है और ऑफिशियली 11 तारीख को अनाउंस हो जाएगा। परंतु इससे भी इम्पोर्टेंट खबर ये है कि जो 4/2015 की एडवर्टीजमेंट थी, जो आई थी 28 जून 2015 को, कैटेगरी नंबर 16 में पीजीटी संस्कृत की वैकेंसी, जो 2600 पोस्ट थी उनको कैंसिल कर दिया है। और इनको कैंसिल करने के बाद ही सरकार ने नई वैकेंसी निकाली है पीजीटी संस्कृत की। यानी कि जिन दोस्तों ने 2015 के अंदर अप्लाई किया था अब वो कैंसिल समझें, उनको नए सिरे से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। जो एडवर्टीजमेंट नंबर ये था, एडवर्टीजमेंट 4/2015, उनका ये नोटिस आ गया है कैंसिलेशन का। यहाँ पे इस प्रकार से नोटिस कंप्लीट दे रखा है, ये यहाँ पे वैकेंसी मेंशन कर रखी है कि 626 पोस्ट थी जो पीजीटी संस्कृत की रेस्ट ऑफ हरियाणा की, अब ये हेयर बाई कैंसल्ड, ये नोटिस कैंसिल हो चुका है। अब दोस्तों चलते हैं उस मेन नोटिस के ऊपर, उस मेन एडवर्टीजमेंट के ऊपर, जो एडवर्टीजमेंट है 2021 की पहली HSC के द्वारा, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। और ये वैकेंसी अब ऑफिशियली अनाउंस कर दी है, यानी पहले वाली कैंसिल करके नए तरीके से अनाउंस कर दी है पीजीटी संस्कृत की वैकेंसी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेट ऑफ पब्लिकेशन जो दे रखी है 11 फरवरी 2021, और जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं 10 फरवरी को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि ये सबके पास ये पहुँच चुका होगा। उसके बाद में ओपनिंग डेट बता रखी है 16 फरवरी 2021, क्लोजिंग डेट बता रखी है 3 मार्च 2021, और यदि आपको फीस में आप लेट लतीफ हो जाते हैं तो आपको 6 मार्च 2021 तक यहाँ पे फीस जमा कर देनी होगी। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये एडवर्टीजमेंट, ये वीडियो आपको शुरू से आखिर तक देखना चाहिए, कि बहुत सारी बात इसके अंदर है हम इम्पोर्टेंट सेक्शन वाइज करने वाले हैं। जैसा आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, मैं उसके बारे में बात करूँगा कि यदि किसी भी कारणवश आपके खिलाफ FIR हो जाती है तो क्या आप पीजीटी संस्कृत के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि मान के चलिए कि आपकी गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय, तो क्या आपको करना होगा, तो क्या आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आपको करेक्शन मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे इशू हैं जो इस वैकेंसी के तहत आए हैं, मैं उनको डिटेल से डिस्कस करूंगा और उम्मीद ये करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चनों का मैं जवाब दे सकूं। तो आपको ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखना है, जो कि आप याद रखें। चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और ये यहाँ पे दे रखा है इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए 534 पोस्ट हैं और कैंसिल कितनी हुई थी, 626। अब आप समझिए वो कैंसिल थी 2015 में और अब हैं 2021। 6 साल के दौरान पोस्ट बढ़नी चाहिए थी या घटनी चाहिए थी, पोस्ट जबकि घट गई, 534 अब हैं, 626 पहले थी। 626 को कैंसिल को करके, 626 कैंसिल करके 534 पोस्ट निकाल दी। इन 6 सालों में कोई रिटायर भी नहीं हुआ, पता नहीं किस प्रकार का नोटिस ये है। कुछ लोग हमारे दोस्त और भी तरीके बताएंगे कि किस प्रकार से वैकेंसी थोड़ी हो गई, परंतु आप इस बात को समझिए कि कुछ पोस्ट सरकार ने या तो कम कर दिया, उनको बिल्कुल भी खत्म कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने भरनी है, ऑनलाइन फॉर्म आपका भरा जाएगा, और जब ऑनलाइन फॉर्म आपका भरा जाएगा तो ये दे रखा लिंक, इस लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे डेट दे रखी है 16 फरवरी 2021 से लेके 3 मार्च 2021 तक आपको फॉर्म भरना है, रात के 12 बजे तक। उसके बाद में जो वेबसाइट का लिंक है वो डिसेबल हो जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, गाइडलाइन दे रखी हैं, परंतु मैं गाइडलाइन की बात यहाँ पे नहीं करूँगा। जब 16 फरवरी आ जाएगी तो एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में बना देंगे किस प्रकार से आपको अप्लाई यहाँ पे करना है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके अंदर भी एक दो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए, और वो किस प्रकार से समझनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें तब आपको ऑनलाइन जब अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट आपका होगा, उसके बाद इसका फाइनल प्रिंट आउट ले लें क्योंकि बाद में आपके काम आएगा, उसके बाद में ई चालान फॉर्म ले लें और फाइनली सक्सेसफुली आप सबमिट कर दें और फिर फाइनल प्रिंट ले लें एप्लीकेशन का और ई चालान का, यहाँ पे लिखा हुआ है।
उसके बाद में ये बात बताएगा कि हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की और सारे अपलोडेड डॉक्यूमेंट, मतलब इस बात को समझिए कि आप जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो सारे आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं। एक बात को याद रखें, किसी भी प्रकार का एक भी डॉक्यूमेंट आप ना छोड़ दें जो आपका आपकी क्वालिफिकेशन में सपोर्ट करता हो। यदि आपने ऐसा कर दिया तो फिर इसको आप ऐड नहीं करवा पाएंगे। यहाँ पे लिखा है नो डॉक्यूमेंट विच हैज नॉट बीन अपलोडेड शैल नॉट बी एंटरटेन, यानी सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं उनको आप अपलोड कर दें तुरंत ही। अब उसके बाद में है नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज, यानी किसी प्रकार से आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा, चेंज नहीं कर सकते आप, ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है। किसी प्रकार का ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। उसके बाद में एक चीज़ और मेंशन कर रखी है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ये होगा हरियाणा गवर्नमेंट के प्रोविजन के तहत, जिसका नोटिस नंबर है 523-3GS-70/2068 डेटेड 28 जनवरी 1970। यदि आप इस नोटिस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पूरे नोटिस के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, परंतु आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको इसके बारे में पूछना है तो हम इसके बारे में वीडियो सेपरेट बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं उस इम्पोर्टेंट टास्क की तरफ जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे है, और यहाँ पे है इफ़ एन FIR इज लॉज्ड इज पेंडिंग अगेंस्ट अ कैंडिडेट ही सी शैल नॉट बी ट्रीटेड एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन इफ चार्जेज आर फ्रेम अगेंस्ट हिम। आप इस बात को समझिए कि यदि किसी भी कारण से आपके खिलाफ FIR हो रखी है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दी गई है, वो है चार्ज की। यदि मान लिया पुलिस ने आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है तब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले बिहार की एक खबर आई थी, उसमें था कि कोई भी कैंडिडेट यदि किसी भी आंदोलन में या कहीं भी स्ट्राइक में या फिर किसी प्रकार से सरकार का अपोज करते हुए पाया जाता है और उसकी पहचान हो जाती है, उसके खिलाफ FIR हो जाती है, तो वो सरकार का फॉर्म नहीं भर सकता, सरकार की सुविधा नहीं ले सकता है, ऐसी बात वहाँ पर कही गई थी। अब हरियाणा के अंदर भी ये सेम ही है, इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस एक चीज़ है कि चार्जशीट की बात यहाँ पे ऐड हो गई है। यानी कि बिहार में उन्होंने आवाज़ उठा के कह दिया, यानी कि सबको डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया, हरियाणा इसको चुपके से पिछले वाले दरवाजे से अप्लाई कर रहा है, कोई भी फर्क नहीं है। परंतु आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसके अगेंस्ट कोर्स केस होंगे, बहुत सारे लोग कोर्ट में जाएंगे जिनकी FIR वगैरह किसी कारणवश हो रखी है, क्योंकि FIR कोई भी किसी के खिलाफ भी करवा सकता है। मैं यहाँ पे दावा कर दूँ कि जाके मेरे पिटाई कर दिया, मेरा सामान चोरी कर लिया वगैरह वगैरह फला व्यक्ति ने, तो FIR हो सकती है। गिल्टी के बारे में यहाँ पे बात होनी चाहिए थी मेरे अनुसार, परंतु जो भी है यहाँ पे सरकार ने ऐसा कर दिया है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि चेंज आपका नहीं होगा, फाइनल सबमिशन होने के बाद चेंज आपका नहीं होगा। परंतु यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आप देखिए, यहाँ पे ना मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है, सरकार का एक कन्फ्यूजन दिखाई देता है। वो क्या है कि कमीशन ने किस प्रकार से कन्फ्यूज कर दिया। यहाँ पे पहले लिखा है कि चेंज नहीं होगा, आगे लिखा है इन केस कैंडिडेट फील, कैंडिडेट को महसूस होता है कि उसने फॉर्म में गलती कर दी तो वो नया फॉर्म भर सकता है, नई ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकता है फ्रेश रिक्वेस्ट के साथ। और इसमें एक चीज़ और है कि फीस नहीं देनी पड़ेगी, यानी फीस भी देनी पड़ेगी, मतलब नए तरीके से फीस भी आपको देनी पड़ेगी। परंतु आप इस बात को समझिए, यहाँ पे ऊपर कुछ लिखा है और यहाँ पे कुछ लिखा है, और मैं सबसे नीचे एक चीज़ और दिखाऊंगा लास्ट में आपको कि ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या कि आप नया एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और आगे बात कहते हैं डुप्लीकेट फॉर्म में आपकी कैंडिडेटशिप कैंसिल हो जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, परंतु लास्ट में आप देखेंगे ज़रूर, यानी कि वीडियो को लास्ट में उसकी बात करेंगे। अब करते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ खास नहीं है, बस ये बता रखा है कि ये वेब लिंक है, जब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है तो आप यहाँ पे जाइएगा और इस लिंक के माध्यम से आप खोल सकते हैं। अब चलते थोड़ा आगे, थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पे है, ये है कंट्राडिक्टरी मेथड, यानी कि एक और कन्फ्यूजन। वो क्या है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट शैल बी डन, यानी कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर फील्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए हैं। आगे इसके बारे में दूसरी बात करता है कि टेस्ट होगा, तो ये भी एक कन्फ्यूजन वाली बड़ी बात है, उसको भी देखते हैं। अब है टोटल वैकेंसी, जिसकी हम बात कर चुके हैं, टोटल वैकेंसी हमारी 534 PGT की हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है,
देखिए हिंदी और संस्कृत 10वीं तक आपकी होनी चाहिए, हिंदी या संस्कृत। उसके बाद में स्टेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन में एक लिंक मिलेगा, मैंने पहले एक वीडियो बना रखा, आप उसको देख सकते हैं, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है क्या। परंतु यहाँ पे कुछ मेंशन भी कर रखा है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए एवरेज। अब डिटेल आप वहाँ पे देख सकते हैं, यदि आपको कन्फ्यूजन है, मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लूँगा। परंतु यदि आपने एम ए संस्कृत कर रखी है, आचार्य आपने कर रखी है, या बी एड आपने कर रखी है, शिक्षा शास्त्री लैंग्वेज टीचर कोर्स जिसको LTC कहते हैं, या OT जिसको ओरिएंटल ट्रेनिंग कहते हैं, इनके अंदर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ना, वो है PGT संस्कृत का। यहाँ पे कुछ बता रखी है कि पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस वगैरह, ये यहाँ पे दिखाई देता है कि ये नोटिफिकेशन ऐसा कैसा चिपका दिया जो बाकी जनरल के साथ आता है PGT के साथ में, तो इस पे थोड़ी सी स्टडी कम की गई है, नहीं तो ये होना नहीं चाहिए था। परंतु इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। एज आपके 18 से 42 साल, पे आपकी मैट्रिक्स लेवल 8 7th पे कमीशन के अनुसार 4700 से लेके 1,51,100 के बीच में है। स्टार्टिंग में आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 4700 प्लस DA प्लस मेडिकल प्लस आपको HRA वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेंगी। परंतु यदि आप चाहते हैं कि आपको स्टार्टिंग में सैलरी कितनी मिलेगी, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूं आप चाहें, परंतु आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि स्टार्टिंग में सैलरी इसमें कितनी बनेगी, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा और बताऊंगा कि वास्तव में आपकी सैलरी सारे जितने भी आपके मतलब अलाउंस वगैरह है उन सबको मिला के कितनी सैलरी यहाँ पे बन सकती है, उसके बारे में वीडियो बना देंगे। यहाँ पे दे रखी है डिटेल वाइज पोस्ट, और डिटेल वाइज पोस्ट में आप देखोगे तो जनरल की 325, SC की 139, BCA, BCB, EWS टोटल है 534। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बता रखी हैं, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। आगे रिलैक्सेशन की बात कर रखी है, यहाँ पे बात है इंपॉर्टेंट फीस की, मेल फीमेल के लिए जनरल की 500 फीस है, यदि फीमेल हरियाणा की है तो 125। इसी प्रकार SC, BC, EWS के 125 मेल के लिए, 75 फीमेल के लिए। यदि आप हैं किसी प्रकार से डिसेबिलिटी आपके अंदर है, या फिर एक्स सर्विस मैन हरियाणा के हैं, तो कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। आगे दे रखा है सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जामिनेशन या फिर सिलेबस। यहाँ पे आप देखिए कि ऊपर बात क्या कर रहे थे, ऊपर बात कमीशन कहता है इस प्रकार से कि आपका शॉर्ट मतलब शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है, और नीचे बात कही कि टेस्ट होगा, और मैं आपको गारंटी से बताता हूं कि इसमें टेस्ट होगा। 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन 90 का है, और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस आपका 10 नंबर का है, टोटल आपके 100 नंबर हैं। यहां पे सिलेबस इस प्रकार है, देखिए 75% वेटेज आपकी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ साइंस कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी कंसर्न एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ में बाकी चीज़ें मिला के। फिर 25% वेटेज है हरियाणा के लिए, जिसमें हिस्ट्री करंट अफेयर लिटरेचर ज्योग्राफी सिविक्स इन्वायरमेंट इत्यादि आएगा। 10 नंबर आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यदि आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में ज़्यादा जानना है, इसके बारे में भी एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में आपको मिलेगी, वहाँ पे देख के आप इसके बारे में भी जान सकते हैं कम्प्लीटली। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पे है आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल। एग्जामिनेशन आपका संभावित है कि 14 मार्च 2021 को CBT के द्वारा हो सकता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या फिर ऑफलाइन OMR के द्वारा भी हो सकता है। अब आपको CBT की प्रैक्टिस यहाँ पे बना के रखनी है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन ऐसे भी हो सकता है। दोस्तों, ये पीछे दे रखे हैं कुछ गाइडलाइन, और इन गाइडलाइंस में जो इम्पोर्टेंट बात है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसकी बात अब करेंगे। परंतु यहाँ पे बात एक रखिए कि हरियाणा गवर्नमेंट जिन यूनिवर्सिटी को नहीं मानती, या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने जिसको फेक डिक्लेयर कर रखा है, उसका उसकी डिग्री यहाँ पे काउंट नहीं होगी। अब दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं जो मैं आपको कह रहा था कि कंट्राडिक्टरी मेथड क्या है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या है कमीशन के द्वारा। ये देखिए, मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर कैटेगरी लाइकली कॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। यदि आप एक से ज्यादा फॉर्म भरते हैं तो आपका एप्लीकेशन हो सकता है कैंसल। पर यदि कैंसल यहां पे होगा और आपने गलती कर दी, फिर आपके लिए क्या चाह रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इसके बारे में सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, पर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। हाँ, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यहां पे जरूर दे रखी हैं, आपको ये ध्यान से देखनी होगी। उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है यदि आपने फीस नहीं दी, और
नीचे जो मेंशन कर रखा है कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दिए। तो दोस्तों ये है एडवर्टीजमेंट PGTCS कर से रिलेटेड। यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है जो मैंने कवर नहीं किया तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पूछिएगा, इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेम क्वेश्चन के नाम से हमारा पेज मिलेगा, वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जवाब देने की वहाँ भी कोशिश करेंगे। मेरा एक व्हाट्सअप नंबर भी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये है 88 1811 13, ये कैसे लिख दिया इसने 11 13, ये है व्हाट्सअप नंबर, आप यहाँ भी जा सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये था कंटेंट दोस्तों आज का PGT संस्कृत से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।